नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश डी हजारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरडीएच सर। मैं अपने चैनल में आप सभी का आज 1 नवंबर 2019 को स्वागत करता हूँ। और आज से केबीसी प्ले अलॉन्ग में आज जो डेली क्विज है वो फट से अपन खेलते हैं। तो जो डेली क्विज है मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये डेली क्विज है, आज 1 नवंबर 2019 है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला सवाल आ चुका है, केरल में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर आपको पता ही होगा केरल की जो राज्य भाषा है वो है मलयालम, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो मलयालम हम लॉक करेंगे। ऑप्शन में अन्य ऑप्शन कोंकणी, कन्नड़ और तेलुगु भी है, पर ये इसके नहीं है, मलयालम बिल्कुल सही है। मैं मलयालम को लॉक किया हूँ और देख सकते हैं आप कि हमको 100 अंक में मिल चुके हैं। अगला सवाल आ रहा है, ये दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल है, इनमें से किस नाम का अर्थ संस्कृत में रोशनी होता है। कुमुद, ज्योति, नेहा और अर्चना। इनमें से ज्योति मतलब कि दीपक या रोशनी से मतलब जो है संस्कृत ये में ये वर्ड रिलेटेड है, संबंधित है। तो मैं ज्योति को लॉक कर रहा हूँ। ज्योति बिल्कुल सही होगा, होना चाहिए। सही उत्तर आपका। क्या बात है, दो सवालों के दो जवाब हमने सही दिए और हमको 200 अंक मिल चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इनमें से किस जाने माने खिलाड़ी ने शतरंज में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दीपिका पल्लिकल, ये तो शतरंज खिलाड़ी है नहीं, मीराबाई चानू नहीं, हीना सिद्धू और तानिया सचदेवा। तानिया सचदेवा इसका सही है जवाब है दोस्तों, तानिया सचदेवा बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। तो क्या बात है, तीन सवालों के 300 अंक हमको मिल चुके हैं। चौथा सवाल आ रहा है, चौथा सवाल है, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। विकल्प है 7, 8, 9 और 10। इनमें से अब सही जो जवाब है वो 8 है। कुछ लोग 9 सोच सकते हैं बट असल में सही जवाब इसका 8 है। 9 ग्रह पहले थे, उनमें से जो प्लूटो है उसको ग्रह की जो कैटेगरी है वहाँ से निकाल दिया गया, तो अभी 8 बचे हैं। तो 8 ग्रह बिल्कुल सही है, 9 ग्रह नहीं है, 8 है। चार सवालों के 400 अंक हमको मिल चुके हैं सही जवाब देने की वजह से। पांचवा सवाल आ चुका है दोस्तों, इनमें से किस नृत्य का संबंध मूल रूप से पूर्वोत्तर भारत से है। पूर्वोत्तर भारत से संबंध मणिपुरी, भांगड़ा, छाऊ और नौटंकी। मैं इसमें सिक्योर वाला ये ले रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे जवाब नहीं पता इसका मैं मणिपुरी लगा रहा हूँ। सही अगर नहीं भी होगा तो हमको 50 अंक मिलेंगे, पर यह सही हुआ तो इसमें जो हमको 100 अंक मिल चुके हैं। हमने इंश्योरेंस लिया था सिक्योरी और आंसर का, जिसमें अगर आपको एक सवाल में कोई भी अगर 10 में से डाउट रहा तो आप सिक्योरी और आंसर LIC के जो है वो ले सकते हैं, जिससे अगर आपका जवाब खुदा न खास्ता गलत हो गया तो आपको 50 अंक मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से लगती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और कर्नाटक। इसका जवाब है ओडिशा, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र जो है वो भी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से मतलब लग के ही है, मुझे पता है, मध्य प्रदेश भी लगता है। अगला सवाल आ चुका है जो कि है सातवां सवाल, मतलब 6 सवालों के 600 अंक हमको मिल चुके हैं। इनमें से कौन सा टेस्ट क्रिकेटर एक स्पिन गेंदबाज है। कुलदीप यादव को छोड़कर इनमें उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार पूरे के पूरे फास्ट बॉलर हैं। तो कुलदीप यादव स्पिनर है और आप देख सकते हैं बाजू में जो है, बाजू में हमारे 1, 2, 3, 4 में ग्रीन लाइट है। 5th सवाल का भी सही जवाब हुआ, पर हम वहाँ पे आपको येलो लाइट दिख रहा है, पर उसका जवाब हमको उसका जवाब हमने सही दिया और हमको अंक भी मिले सब, क्योंकि ये 8वां सवाल है और 7 सवालों के 700 अंक हमको दिख रहे होंगे। तो वो जो येलो लाइट है वो हमने जो सिक्योर किया था आंसर उसके लिए है। इनमें से कौन सी टीम 2019 IPL में शामिल नहीं हुई। मुंबई इंडियंस हुई, राजस्थान रॉयल्स हुई, किंग्स इलेवन पंजाब हुई, गुजरात लायंस इस सीजन में नहीं थी। तो गुजरात लायंस बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसके बाद आखिर के 2 सवाल बाकी है, लास्ट 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। सही मायने में देखा जाए तो इस सवाल में मुझे जो है वो लाइफ लाइन की ज़रूरत थी, श्रवण कुमार, विकर्ण, भरत और अक्षय। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र मैं भरत पे लगा रहा हूँ। सही हुआ, मैंने क्योंकि दरअसल में मुझे इसका जवाब बिल्कुल पता नहीं था, एक्चुअली सिक्योर करने के सही जवाब थी, पर मैंने भरत को मारा लग गया, मेरा तुक्का ही था, सही कहता हूँ मैं, ये तुक्का था। आखिरी सवाल है अब दोस्तों, हम्पी के अवशेष किस राज्य में स्थित है। हम्पी के अवशेष पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। इसका सही जवाब है कर्नाटक, तो मुझे पता है हम्पी के अवशेष कर्नाटक में ही है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। देख सकते हैं दोस्तों आपको 10 सवालों के 10 जवाब जो है हमारे पूरे सही हुए आज के। एक में हमने लाइफ मतलब जो है वो लाइफलाइन ली थी सिक्योरिटी और आंसर LIC की, पर वो भी सही हुआ, और जिसमें हमको सही में ज़रूरत थी उसका भी आंसर बिना लिए
हमने तुक्का मारा भरत और वो सही हुआ। तो आज के 10 सवालों के 1000 अंक हमको मिल चुके हैं और जो है बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमको 1000 अंक मिल चुके हैं। और आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल को पर पहली बार आए हैं या रिपीट यूजर है और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथों साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। और साथ में अभी बहुत समय बाकी है करीब करीब, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके उनके जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।